तो उम्मीद करें आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलिए यहाँ पे देखते कैसे करना है। 2 + 3 = 5 इक्वल दे रखा है आपको, 3 + 7 आपको 17 के इक्वल दे रखा है, 4 + 5 आपको 19 के इक्वल दे रखा है, 5 + 8 आपको 37 के इक्वल दे रखा है, और हमको बताना क्या है यहाँ, 6 + 7 जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमको बताना है यहाँ पे कि ये बन सकती हैं। फॉर्मेट समझिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है लेकिन आपको जब तक फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ें आप कर नहीं सकते। अब देखिए नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया, 6 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, जो आपका बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है और छोटा नंबर जो है उसको क्या आपस में माइनस कर देते हैं। समझिएगा, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या 3 है, छोटा नंबर क्या है 2 है। फिर हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर अब जो आया है उसको हम आपस में माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पैटर्न क्या है, पहले हम दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितना आएगा ठीक हमने राइट कर लिया। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस करना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर जो आया उसको आपस में माइनस करना, कितना आ जाएगा, आपका 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें प्रोसीजर आपने समझ गया होगा। फिर से समझते हैं, यहाँ पे इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, कितना आ जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। उसका जो आंसर आया उसमें से हमको आपस में माइनस कर देना है तो आपका 19 मिल जाएगा। तो प्रोसीजर उम्मीद करता समझ में आ गया होगा, सेम इसका भी काम उसी तरीके से हुआ होगा। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, 6 + 7 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा, 42 आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आपस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी कि 41 ही आपका क्या होगा, 41 ही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे।